खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर दालबद्दीन से हमारे गिदरोशिया पॉइंट के नुमाइंदा मोहम्मद बख्श बलोच से। आल सिंध बलोचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट 52 स्पोर्ट्स बोर्ड बलोचिस्तान क्वालिफाइंग राउंड्स रखशान डिवीजन का फाइनल मैच डीएफए नोशकी बामुकाबला डीएफए वाशक के दरमियान खेला गया, जो डीएफए नोशकी ने 0 के मुकाबले में 7 गोल से जीत ली। मैच के रेफरी महबूब फीफा और असिस्टेंट रेफरी शुक्रुल्ला और महबूब अली, जबकि मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर चागी हुसैन जान बलोच थे। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चागी अली रजा खोसा, हाजी मुनीर अहमद शेख हुसैनी, साबिका सूबाई सदर बलोचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन हाजी अब्दुल रऊफ नोतेजई, साबिका चेयरमैन मीर खुदाई नजर नोतेजई, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हाजी अब्दुल बारी बलोच समेत शायकीन की बड़ी तादाद में मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर चागी हुसैन जान बलोच ने इलाके में फुटबॉल और दीगर खेलों में दिलचस्पी को खुशाइद करार देते हुए कहा कि चागी के नौजवानों में सलाहियतों की कमी नहीं, जिनको उभार कर हौसला अफजाई की जरूरत है, जो आगे जाकर मुल्क कौम और अपने इलाके का नाम मजीद रोशन करा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर हुसैन बलोच ने जिले सतह पर स्पोर्ट फेस्टिवल चागी मुनक्द करने और टूर्नामेंट कमेटी के लिए नकद 30,000, विनर टीम के लिए 30,000 और रनर के लिए 20,000 रुपए और ग्राउंड के लिए ग्रॉस कटर फराहम करने और स्टेडियम की मुरम्मत का भी ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन के साबिका सूबाई सदर हाजी अब्दुल रऊफ नोतेजई और टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हाजी अब्दुल बारी बलोच ने भी खिताब करते हुए फुटबॉल टूर्नामेंट कमेटी और मेहमान टीमों की हौसला अफजाई करने पर डिप्टी कमिश्नर चागी हुसैन जान बलोच का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।